नमस्कार, मैं अश्वनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा संकलित एक रोचक मनोरंजक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मध्य प्रदेश के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है माता महिला समूह। ये एक बहुत ही अच्छी गतिविधि है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बालिकाओं के आगे बढ़ने के लिए विद्यालय ही नहीं बल्कि घर पर भी शैक्षिक और सुरक्षित वातावरण दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए माताओं का सहयोग महत्वपूर्ण है। इस गतिविधि के अंतर्गत बालिकाओं की माताओं को अपनी बेटियों की शिक्षा सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना आवश्यक होता है। शिक्षक बालिकाओं की माताओं को एक निर्धारित दिन विद्यालय में आमंत्रित करते हैं और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाते हैं। इसी दौरान जागरूक माताओं का एक समूह बनाया जाता है। इस समूह में समुदाय की अन्य माता महिलाओं को जोड़ा जाता है। महिला समूह जो होता है वो अन्य माताओं के सहयोग से अपनी बेटियों के नियमित रूप से विद्यालय भेजने का प्रण लेती हैं और साथ ही साथ में जो पढ़ी लिखी माताएं होती हैं वो अपनी छात्राओं को, वो अपनी बेटियों को गृह कार्य करने में मदद भी करती हैं। और इस महिला समिति की जो महिलाएं हैं वो छात्राओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और आदि जो कला शिल्प से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको सिखाने में मदद करती हैं और इसमें वो उन छात्राओं को निपुण भी करती हैं। साथ ही साथ जो छात्राएं विद्यालय से काफी दूरी से आती हैं तो उनको विद्यालय से घर और घर से विद्यालय छोड़ने का दायित्व भी ये माता महिला समूह की महिलाएं ही करती हैं। इसी से छात्राएं अपने भविष्य में आत्मनिर्भर होकर सुचारू रूप से अपना जो भविष्य है, जो जीवन है, उसको व्यतीत करने के लिए प्रेरित होती हैं। इन छात्राओं को हमारे जो केंद्र की आंगनवाड़ी दीदी होती हैं उनके माध्यम से भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही साथ में इन महिलाओं को भी उन आंगनवाड़ी दीदी के माध्यम से ये जानकारी उपलब्ध कराई जाती है कि उनकी बेटियां किस तरीके से जीवन में आगे अग्रसर हों और एक उज्जवल भविष्य बनाएं। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे। ये नवाचार किसी भी स्तर के विद्यालय में किया जाता है। साथ ही साथ में इस नवाचार को लागू करने के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। मौजूदा जो संसाधन होते हैं यानी कि समुदाय का यहाँ पर पूरा पूरा सहयोग लिया जाता है। इस तरह के कई दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे निवेदन है यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारा ZIIAI YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारा Facebook पेज जरूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।